गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वाता एस एकेडमी। सो संडे की सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ऑन गोइंग प्रोटेस्ट इन यूएसए, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है। तो हम ये पूरा इशू डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन इनमें इन्वॉल्व है, क्यों ऐसे हालात बने हैं और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑन गोइंग प्रोटेस्ट इन यूएसए। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएसए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पे, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा वायलेंट और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रही है। और रीजन इसका ये है कि बहुत ज्यादा रेशियल इनइक्वालिटी और वहां पे एक्सेसिव यूज ऑफ पुलिस फोर्स की वजह से ये सब एंगर वहां के सिटीजन्स में है। हालांकि वहां के लोग काफी टाइम से ये देख रहे हैं कि वहां पे रेशियल इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं और बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है, लेकिन अभी जो इमीडिएट कॉज है इस सिचुएशन का वो ये है कि ये प्रोटेस्ट हो रही है क्योंकि एक डेथ हुई अफ्रीकन अमेरिकन मैन की, वो भी एक पुलिस कस्टडी के अंदर। तो लोगों के अंदर इस वजह से गुस्सा है और ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं कि यूएसए की बहुत सारी सिटीज के अंदर कर्फ्यू जैसी सिचुएशन आ रही है। अब देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट का इस पे क्या स्टैंड है, वो क्या मानते हैं, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। तो एज ऑलवेज इस बार भी यूएस प्रेसिडेंट ने ब्लेम ही किया है एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है एंटीफा। उनका मानना है कि इस एंटीफा की वजह से ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपकमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे कि एंटीफा क्या है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, कैसे वो वर्क करता है। साथ में प्रेसिडेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि वो इस एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करेंगे इन फ्यूचर। हालांकि वो करते कैसे हैं इसका अभी कुछ श्योरिटी नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर फिलहाल ऐसा कोई स्टैट्यूट या लॉ नहीं है जो ये परमिट करता हो कि वहां के वायलेंट डोमेस्टिक ग्रुप को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे, जिस तरीके से यूएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग जैसे कि अलकायदा या फिर इस्लामिक स्टेट को करता है। अब एंटीफा के बारे में अगर देखें तो एंटीफा जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ 1946 के अंदर, और एंटीफा का मतलब है एंटी फैसिज्म, यानी कि वो फैसिस्ट आइडियोलॉजी जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी। इनफैक्ट 1930s के अंदर जर्मनी के अंदर एक एंटीफा ग्रुप करके सामने आया जो एक सोशलिस्ट ग्रुप था, जिसने कोशिश की कि जो एडॉल्फ हिटलर की नाजी है या नाजिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको कंस्ट्रेन कर सके, उसको रोक सके। अब प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो एंटीफा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे सोशल जस्टिस इश्यूज के ऊपर वर्क करता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि वो वर्ल्ड को फ्री करना चाहता है फासिज्म से, जो एक अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है। साथ में रेसिज्म, सेक्सिज्म, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और इस्लामोफोबिया, इन सब की रीच को भी कंट्रोल करना चाहता है। और इसका फोकस यहाँ पे भी है कि वो नहीं चाहता कि ये नियो नाजी या फिर वाइट सुप्रीमिस्टिक ग्रुप्स इवॉल्व हो और किसी तरीके का चैलेंज क्रिएट करें। और ऐसा भी माना जाता है कि ये सिर्फ एक अकेला ऐसा एक्टिविस्ट मूवमेंट है जो कि पिछले कुछ सालों में एक साथ आया है, जिसने एक साथ मिलके फार राइट के अगेंस्ट में वर्क करना शुरू किया है। अगर मेंबरशिप की बात करें तो एंटीफा का कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, तो एज ऑफ नाउ इसका कोई भी ऑफिशियल लीडर नहीं है। ये एक सीक्रेटिव मूवमेंट है जो सिर्फ एक्टिविस्ट का मूवमेंट है, जो शेयर करती हैं फिलॉसफी एंड टैक्टिक्स, और ये ऑर्गेनाइज होता है ऑटोनोमस लोकल सेल्स के अंदर। और अगर इनके वे देखें कि ये प्रोटेस्ट किस तरीके से करते हैं, तो ये टिपिकली ब्लैक ड्रेस पहनते हैं और जो मास्क है उसको भी कई बार लगा के रखते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और ये फॉलो करते हैं फार लेफ्ट आइडियोलॉजी सच एज एंटी कैपिटलिज्म। यानी बेसिकली ये जो एंटीफा ग्रुप है ये फार लेफ्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड मेंबर्स का ग्रुप है, और इस ग्रुप की खासियत ये है कि ये वायलेंस में ज्यादा यकीन करता है। हालांकि ये कुछ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी करता है, बट मेनली ये वायलेंस में ज्यादा ध्यान रखता है। साथ में क्रिटिसाइज भी करता रहता है उन लिबरल पॉलिटिशियंस को जो इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, जो उनको देखना चाहिए वो नहीं देख रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी ये खुल के आता है। इनफैक्ट एंटीफा मेंबर्स बहुत सारी वेबसाइट्स भी रन करते हैं
जहाँ पे वो वाइट एक्सट्रीमिस्ट या फिर अल्ट्रा राइट ग्रुप्स को ट्रैक करते हैं, उनको अपोज करते हैं। अब जैसे किसी भी मोमेंट का एक काउंटर मोमेंट जरूर होता है, वैसे ही एंटीफा मोमेंट का अगर काउंटर मोमेंट देखें तो वो है बुगेलो मोमेंट, यानी कि बुगेलो मोमेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं जिनको काफी बार बुगेलो बॉयज भी कहा जाता है, तो ये एक लूजली ऑर्गेनाइज अमेरिकन ग्रुप है जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट मोमेंट है। यानी एंटीफा एक फार लेफ्ट है और ये मोमेंट फार राइट एक्सट्रीमिस्ट मोमेंट है। और बुगेलो मोमेंट के जो मेंबर्स हैं उनका ये मानना है कि वो एक कमिंग सेकेंड अमेरिकन वर्ल्ड वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर इस मोमेंट के मेंबर्स की बात करें तो जो एंटी गवर्नमेंट एंटी लॉ एनफोर्समेंट ग्रुप्स या फिर व्हाइट सुप्रीमेस्टिक ग्रुप्स ये इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो ये मानते हैं कि जो भी अनरेस्ट होगी वो एक रेस वॉर होगी, यानी कि उसमें एक साइड व्हाइट सुप्रीमेसी होगी और एक तरफ ब्लैक पीपल्स होंगे। और मेनली ये ग्रुप ऑनलाइन वर्क करता है, लेकिन कई ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे इसने इन पर्सन जाके अपनी प्रेजेंस शो की है। और ये खुद को हवाइन शर्ट्स और मिलिट्री फैटिक से अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं। अब डिटेल में अगर बैकग्राउंड देखें कि रिसेंट प्रोटेस्ट और वायलेंस क्यों हुआ, वो ये था कि एक पर्सन था 46 ईयर का ब्लैक मैन जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, उसकी डेथ हो गई एक वाइट पुलिस ऑफिसर्स की वजह से, जिस ऑफिसर का नाम था डेरेक चौविन। और ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, वो इस तरीके से थी कि बार बार इस वाइट पुलिस ऑफिसर ने जो जॉर्ज था उसकी नेक पे इतना हिट किया कि वो ऑलमोस्ट डेड हो गया। और जो आसपास ऑफिसर्स थे उन्होंने भी ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि उसको रिवाइव किया जा सके। इनफैक्ट जब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस आए तब तक भी वो जो पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम चौविन था उसने अपने घुटने को जॉर्ज की नेक पे ही रखा। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया, उनको ये चीज बहुत ही इनह्यूमन लगी। इनफैक्ट जॉर्ज को अरेस्ट भी एक सस्पिशन के ऊपर किया गया था कि वो काउंटरफिट बिल्स पास करता है, जो कि प्रूफ भी नहीं हुआ था। और जैसे ही ये वीडियो सर्कुलेट हुआ, ये वायरल हुआ, तो लोगों के अंदर वो गुस्सा आया क्योंकि इस वाइट पुलिस ऑफिसर ने अपना घुटना तब तक नहीं उठाया जब तक उसने ये नहीं बोला जॉर्ज ने कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। एंड फाइनली जॉर्ज की मृत्यु हो गई, उसी की वजह से ये सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि जॉर्ज कोई पहला केस है, ऐसे पहले भी कुछ केसेस हुए हैं जैसे माइकल ब्राउन, एरिक गार्नर, और ऐसे इंसिडेंट्स के बाद ही ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मोमेंट शुरू हुआ है। इनफैक्ट एरिक गार्नर की मृत्यु भी एक पुलिस कस्टडी के अंदर ही हुई थी, जहां पे आसपास के लोगों ने उसको ऐसे चिल्लाते हुए सुना था कि आई कांट ब्रीद, और यही वर्ड जॉर्ज ने भी अपने फाइनल मोमेंट में बोले थे। एंड दैट्स व्हाई प्रोटेस्ट नेमिंग ब्लैक लाइव्स मैटर स्टार्टेड। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो अगर परसेंटेज ऑफ फेटल पुलिस शूटिंग कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बाय एथनिसिटी अगर देखें तो उसमें आप देखेंगे वाइट पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उनकी जो फेटल पुलिस शूटिंग है वो कम है। देन अफ्रीकन अमेरिकन उनकी बहुत ज़्यादा है। हिस्पैनिक्स यानी वो पीपल जो यूएसए के सिटीजन हैं बट ओरिजिनली जो लैटिन अमेरिका से बिलोंग करते हैं उनकी भी एज कम्पेयर टू अफ्रीकन अमेरिकन फेटल पुलिस शूटिंग का परसेंटेज कम है। तो इन ग्राफिक्स से क्लियर हो जाता है कि जो ज़्यादा केसेस हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स के अगेंस्ट में हैं, यानी कि पुलिस अगर फैटलिटी शूटिंग करती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस अफ्रीकन अमेरिकन्स के मरने के हैं। और अगर अरेस्ट की बात करें इन ड्रग एब्यूज केसेस तो उसमें भी हायर नंबर इन्हीं अफ्रीकन अमेरिकन्स का है, जबकि ये जो रेशियो है ड्रग एब्यूज का बिटवीन व्हाइट अमेरिकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन्स वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट जॉर्ज की डेथ से लोगों में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आ गया है, ये बहुत सारी रीजंस पहले से जो चले आ रहे हैं उसकी वजह से जो पाइलअप हो गया था लोगों के दिमाग में कि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उस वजह से इतना ज़्यादा आउटरीच हो रहा है। और इसी बीच बातें उन सिविल राइट मोमेंट्स की भी चल रहे हैं जिनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू किया था, जिन्होंने चैलेंज किया था वाइट सुप्रीमेसी को, और जो सेग्रीगेशन पॉलिसीज थी
उनको, क्योंकि अभी भी जो अनरेस्ट चल रही है वो ज्यादातर रेशियल टर्बुलेंस के अगेंस्ट में है जो यूएसए में अब एक्सपीरियंस किया जा रहा है। अब अगर कारण देखें, कॉज देखें कि इतना फ्रीक्वेंट रेशियल वायलेंस है क्यों यूएसए के अंदर, उसका एक रीजन है रेसिस्ट पुलिसिंग, यानी कि पुलिस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज्यादा अनरेस्ट फैलाने वाली हैं, जैसा अभी आपने देख लिया। तो उससे कहीं ना कहीं रेसिज्म को एक इम्पेटस मिलता है, क्योंकि जब अथॉरिटीज खुद इस तरीके की हरकत करेंगी तो सिटीजन्स के अंदर ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। ऐसे ही बहुत से लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और बहुत बार एक्सक्लूजन होता है मेजर एवेन्यूज ऑफ वेल्थ क्रिएशन के अंदर भी, यानी ब्लैक्स को कोशिश की जाती है कि उनके पास वेल्थ क्रिएशन कम से कम रहे। यानी कि एक तो डिस्क्रिमिनेटरी पुलिसिंग, और ऊपर से जो वेल्थ गैप है वो इतना एक्सपेंड हो रहा है अमेरिकन यानी वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन के बीच में, जिनको ब्रॉडली अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। इससे जो कंडीशन है अफ्रीकन अमेरिकन की वो बहुत ही ज्यादा पथेटिक है, बहुत ही ज्यादा वरिंग है। तो कुछ लीगल, कुछ एक्स्ट्रा लीगल डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस प्रैक्टिसेस, इन सब की वजह से जो ये अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको एक तरीके से फोर्स किया जाता है कि वो पुअर कंडीशंस में रहें, और उनकी सैनिटेशन कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कोई ग्रीन स्पेसेस नहीं मिलती, ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं वहाँ पे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, और जो रिसोर्सेज हैं स्कूल के लिए वो भी बहुत ज़्यादा पुअर हैं। और इसी वजह से जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको लो पेड डोमेस्टिक या फिर सर्विस लेबर जॉब्स करनी पड़ती हैं, जिससे इकोनॉमी का तो बूस्ट मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो इससे बेनिफिट होते हैं वो वाइट अमेरिकन्स होते हैं, और ये जो वेल्थ गैप है वो और भी ज़्यादा वाइडन होता जाता है। यानी कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन, ऊपर से वेल्थ क्रिएशन नहीं, ऊपर से एजुकेशन नहीं, सैनिटेशन कंडीशन सही नहीं, और फिर इस तरीके के ब्रूटल किलिंग, वो भी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वरिंग सिचुएशन है, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही हैं। और क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में बहुत पहले से होता जा रहा है, तो वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं, अभी भी रेसिज्म बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है वहाँ पे। और इसी वजह से फ्रीक्वेंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हर कोई अफ्रीकन अमेरिकन झेलता है। तो वेल्थ क्रिएशन पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है अफ्रीकन अमेरिकन को एज कम्पेयर टू वाइट अमेरिकन, और इसी वजह से ये लोग अच्छी पोस्ट या अच्छी सैलरीज नहीं ले पा रहे हैं। इसके अगेंस्ट सॉल्यूशंस की बात करें तो एक एमरजेंस हुआ था सिविल राइट मूवमेंट का, और सिविल राइट्स मूवमेंट ऐसा नहीं है जो सडनली अपीयर हो गया था, बल्कि जो एफर्ट्स थे वो लगाए गए थे ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अफ्रीकन अमेरिकन की उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो लेट 18th सेंचुरी में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था, उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे कोशिश किया था कि रेशियल इनजस्टिस या स्लेवरी इन सब को हटाया जाना चाहिए। बट जब सिविल वार हुआ 1861 से 65 तक अमेरिका के अंदर, तब जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इशू किया एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिसमें ये कोडिफाइड किया गया, ये एक लॉ बना दिया गया, और 13th अमेंडमेंट किया गया US कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर स्लेवरी को आउटलोड कर दिया गया, यानी उसको एबलिश कर दिया गया, और ये इफेक्ट में आया 1865 के अंदर। और जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद में जो पीरियड है जिसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन पीरियड, तो उस समय पे 14th एंड 15th अमेंडमेंट पास हुए, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एक लीगल फाउंडेशन की एक पॉलिटिकल इक्वालिटी रहेगी फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। लेकिन ये स्लेवरी एबोलिश करने के बाद भी, लीगल गेन्स होने के बाद भी, जो अफ्रीकन अमेरिकन थी वो रेशियल सेग्रीगेशन तब भी झेल रहे थे, और इस सेग्रीगेशन को एक नेम दिया गया था जिम क्रो सेग्रीगेशन, जिसका मतलब ये था कि जो सदर्न ब्लैक्स हैं, यानी कि वो अमेरिकन जो यूएसए के अंदर साउथ साइड में रह रहे हैं, वो पुअर्टी और इनइक्वालिटी के अंदर रहने के लिए मजबूर रहे, क्योंकि जो वाइट सुप्रीमिस्ट थे उन्होंने उनको हमेशा डिनाई करते रहे कि पॉलिटिकल राइट और फ्रीडम उनको नहीं लेने दिया। और ये रेशियल सेग्रीगेशन इस तरीके से था, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि कलर्ड वेटिंग रूम तक बनाए गए, और ये इमेज है 1940 की, यानी कि
तब तक अमेरिकन सिविल वॉर भी ओवर हो चुका था और अमेरिका काफी ज्यादा एडवांस स्टेट के अंदर था, तब ये हालात थे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से 20th century के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ, यानी कि वो प्रॉमिस जो इमेंसिपेशन के रूप में आया था, जिसका फुलफिलमेंट अभी तक नहीं हो पाया था, क्योंकि ना उनको इक्वालिटी थी, ना ही उनका डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ था, ना ही उनको इक्वल राइट्स मिल रहे थे। तो जो प्रॉमिस किया गया था उसका अनफुलफिलमेंट होने की वजह से जो एक डिसकंटेंटमेंट लोगों के अंदर आया था, वहीं से ही सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ। और इसका एक रीजन ये भी है कि जो ब्लैक सोल्जर्स थे उनकी जो एक्सपीरियंस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन्होंने भी इसको काफी ज्यादा इम्पेटस दिया। क्योंकि जहां उस टाइम पे US प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि हम लिबर्टी, जस्टिस, इक्वेलिटी इनके लिए लड़ रहे हैं, वहीं पे उन्हीं के अफ्रीकन अमेरिकन एक सेग्रीगेटेड मिलिट्री के रूप में फाइट कर रहे थे। तो बाकी कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पे जो लड़ाई अफ्रीकन अमेरिकन लड़ रहे थे, तो उसके बाद में इसी का एक्सपीरियंस उन्होंने चाहा कि वो यूज करें USA के अंदर, ताकि वो अपने राइट्स और अपनी फुल सिटीजनशिप अचीव कर पाए। तो इस सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई गई, अप्रोचेज अपनाए गए, जिसमें लीगल एक्शन थे, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी थे, ब्लैक मिलिटेंसी भी थी। इनमें जो अर्लीस्ट अप्रोच थी वो ये थी कि ये लोग कोर्ट्स के पास गए और उन्होंने डिमांड की अपने सिविल राइट्स के लिए, और उन्होंने ये मांग की कि ये जो लीगल फाउंडेशन दिया गया है जिम क्रो सेग्रीगेशन टाइप का, जो कि साउथ के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है, उसको हटाया जाए। और इन एफर्ट्स का ये नतीजा था कि ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ टॉपिका, इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दिया वहाँ की कोर्ट्स ने कि ये जो सेपरेट फैसिलिटीज दी जा रही हैं अलग अलग, ब्लैक्स के अलग, व्हाइट्स के अलग, ये इनहेरेंटली इनइक्वल है, और उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो ये एक तरीके की मेजर विक्ट्री मानी जाती है सिविल राइट्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। लेकिन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने, जो कि साउथ के अंदर थे, उन्होंने फिर भी यही रट लगा के रखी कि वो मासिव रेस्ट्रिक्शन करेंगे इस डिसेग्रीगेशन का। और काफी ज्यादा इन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने कोर्ट्स के डिसीजन को डिनाउंस किया और रेजिस्ट किया कि इसका एनफोर्समेंट ना हो सके। देन अल्टीमेटली फेडरल इंटरवेंशन जब हुआ, तब जाके रूलिंग इम्प्लीमेंट की जा सकी। देन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस की अगर बात करें, और इस बॉयकॉट के अंदर जो लीडर उभर के सामने आए थे वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि आगे जाके बहुत ही ज्यादा फेमस हुए अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस के लिए। और वो पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने मास डायरेक्ट एक्शन के लिए अपील की। और इन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर रिलीजियस ग्रुप्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लेबर यूनियंस ने भी सपोर्ट किया, और ये सारे मिलके मासिव प्रोटेस्ट के अंदर आए ताकि एक अवेयरनेस रेज की जा सके और ये जो मोमेंटम है उसको एक्सिलरेशन मिले और जो फेडरल सिविल राइट्स लेजिस्लेशन है वो पास हो जाए। और इसीलिए मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम, ये लार्जेस्ट सिविल राइट्स प्रोटेस्ट माना जाता है US की हिस्ट्री के अंदर, जिसने सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एंड द वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो मास डायरेक्ट एक्शन था वो काफी ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ, क्योंकि इस टाइम पे जो न्यूज मीडिया थी उसकी कवरेज भी काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड थी, तो इजीली दुनिया ये देख पा रही थी कि कैसे नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है, कैसे उनको फिजिकली मारा जा रहा है लो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के द्वारा, और जैसा आज भी हम देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब से जो सिविल राइट्स लेजिस्लेशन है वो पास हो गया, जो एक मेजर विक्ट्री थी सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, लेकिन जिस तरीके से वाइट पावर स्ट्रक्चर बना हुआ था साउथ के अंदर, उससे कुछ जो ब्लैक एक्टिविस्ट थे वो ये कन्विंस हो गए कि ये जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस है ये इनसफिशिएंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला ज्यादा। और कुछ अफ्रीकन अमेरिकन्स इस बात से भी कंसर्न थे कि ये जो मोमेंट था उसके अंदर नॉर्थ साइड के जो मिडिल क्लास वाइट अमेरिकन्स थे उनकी भी प्रेजेंस थी।
तो इन सब की वजह से वहाँ कुछ ब्लैक एक्टिविस्ट को ये लगने लग गया कि ये जो वाइट पर्सन इस मोमेंट के अंदर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप इस सिविल राइट मोमेंट के अंदर छीन रहेंगे या उसको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, यानी उनका जो राइट चला है उन पे भी वाइट लीडरशिप आ जाएगी। और इसी के रिस्पॉन्स में, यानी कि वाइट्स की पावर जो है उस मोमेंट के बाहर भी है और मोमेंट के अंदर भी आ रही है, इसी की वजह से एक मिलिटेंट वैरायटी का सिविल राइट्स एक्टिविज्म एमर्ज होने लग गया। और इसकी जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो प्रोपेगेंड माने जाते हैं वो है मैलकॉलम एक्स, जिन्होंने ब्लैक सेल्फ रिलायंस, कल्चरल प्राइड और सेल्फ डिफेंस की एडवोकेसी की जो फेस कर रहे थे रेशियल वायलेंस इसके अगेंस्ट में। और ये जो अप्रोच मैलकॉलम एक्स ने स्टार्ट की थी इसी को कहा जाता है ब्लैक पावर। और इसको और ज्यादा एक्सेलरेशन तब मिल गया जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एसेसिनेशन हो गया इन 1968, और इनका एसेसिनेशन करने वाला भी एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट था। तो ओवरऑल अगर देखें तो सिविल राइट्स मूवमेंट जो था उसने काफी ज्यादा नोटेबल विक्ट्रीज उसको मिली थी, जैसे कि जिम क्रो सेग्रीगेशन साउथ के अंदर था उसको डिसमेंटल कर दिया गया, फेडरल लेजिस्लेशन पास हुआ कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको आउटलो किया जाए, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल हेरिटेज के लिए भी अवेयरनेस फैलाई गई, और इसी के साथ में इसने यूनिकली कंट्रीब्यूशन भी दिया है यूएस की हिस्ट्री के अंदर। एंड 2008 के अंदर जब इलेक्शन हुआ यूएस के अंदर तो नेशनल लेवल पे जो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने वो थे बराक ओबामा, जो कि एक स्ट्राइकिंग इंडिकेशन था कि सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी है, उसके लिए जो स्ट्रगल चल रहा था वो शायद अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी इक्वालिटी काफ़ी आई है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अभी भी ये रिवेल करते हैं कि ये काम अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी सिविल राइट्स मूवमेंट के जो मेजर जो प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो वर्क कर रहा है वो अभी अनफिनिश्ड है, जैसे कि फुल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये जो गोल है ये अभी तक नहीं मिल पाया है। अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो अभी भी बहुत फ्रिक्वेंटली विक्टिम्स बन जाते हैं पुलिस की ब्रूटैलिटी के, जैसा अभी एक रिसेंट केस देखा है। साथ में जो पॉवर्टी रेट्स है ब्लैक चिल्ड्रन और फैमिलीज के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू वाइट्स एंड लैटिनोज। और एक स्टीरियोटाइप अभी भी प्रिवेलेंट है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, जो कि अभी भी एक पॉपुलर कल्चर बना हुआ है, अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है ये स्टीरियोटाइप। सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा सिविल राइट्स मूवमेंट से अचीव किया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको अचीव करना बाकी है, तब जाके फुल इक्वालिटी इम्पोज होगी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रियल मीनिंग में ख़त्म होगा। लास्ट में अगर वे फॉरवर्ड देखें तो एक फोकस्ड अप्रोच और एक रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ताकि एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया जाए और प्लूरलिस्टिक इथोस को अपनाया जाए, उनको सपोर्ट मिले, ना कि सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी की तरफ लोग भागें। और आज की अभी की जो करंट सिचुएशन यूएसए की अगर देखें तो उसके लिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि जो एक्सेसिव फोर्स यूज़ की जाती है पुलिस के द्वारा माइनॉरिटीज़ के ऊपर उसको कंप्लीट बैन करने की ज़रूरत है, और जो हेट क्राइम्स हैं जितने भी उनमें पनिशमेंट देने की ज़रूरत है, जो वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको रोकने की ज़रूरत है, और जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स किया जाता है माइग्रेंट्स के साथ में, जैसे बॉर्डर्स के ऊपर हो रहा है, मैक्सिको और यूएस बॉर्डर के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू चला था, ये सब ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये यूएसए कैसे करता है, क्या उसके अप्रोच रहती है, ये फ्यूचर में ही पता लग सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।